इंडियन नेवी MR का जो फर्स्ट बैच है 2022 का, उसकी जो मेरिट लिस्ट है कब पब्लिश की जाएगी। बहुत सारे कैंडिडेट्स बार बार यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए एक वीडियो बना दी जाए जिससे कि सभी कैंडिडेट को अपडेट कर दिया जाए आपकी जो मेरिट लिस्ट है कब पब्लिश की जाएगी। आपका जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज था वह ऑलरेडी कम्प्लीट किया जा चुका है, और जो कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे हैं अपनी मेरिट लिस्ट का, तो उन कैंडिडेट को मैं यह सजेशन देना चाहूँगा, यदि आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है अब तक, और यदि आपकी एज 18 या फिर 18 प्लस है, तो आप वैक्सीन लगवा लें जिससे कि आप वहाँ पर रिपोर्टिंग करोगे तो आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे कंपलसरी है नहीं, लेकिन आप वहाँ पर लगवा कर ले जाएंगे तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा, तो ये आप चीज़ करा सकते हैं। साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर बताए गए, आपका 10th की मार्कशीट हुआ, साथ में आपका कास्ट सर्टिफिकेट हुआ और डोमेस्टिक सर्टिफिकेट हुआ, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट हुआ, और जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी लिस्ट मैं बता दूंगा जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी। और आज हम फाइनली बात करने वाले हैं आपकी जो मेरिट लिस्ट है कब पब्लिश की जाएगी, क्योंकि कैंडिडेट बार बार पूछ रहे थे कि हमारी जो मेरिट लिस्ट है कब पब्लिश की जाएगी, साथ में कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो जो भी कैंडिडेट जिन कैंडिडेट के 30 के अराउंड नंबर बन रहे हैं, तो आई थिंक उनका सिलेक्शन यहाँ पर श्योर है। जो कैंडिडेट UP हुआ आपका, हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, पंजाब, इधर आपका गुजरात हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, इन स्टेटों से बिलोंग करते हैं उन कैंडिडेट्स के, ये 30 प्लस नंबर बन रहे हैं, तो आई थिंक उनका यहाँ पर सिलेक्शन श्योर है। और जो कैंडिडेट आपका नागालैंड हुआ, मणिपुर हुआ, और अरुणाचल प्रदेश हुआ आपका, त्रिपुरा हुआ, इस तरीके से जो पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं उन स्टेटों से जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं, यदि उनके नंबर 28 के अराउंड बन रहे हैं, तो आई थिंक उनका यहाँ पर सिलेक्शन श्योर होने वाला है। आप बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई टेंशन ना लें, और आपका मेडिकल भी होगा तो आप बिल्कुल मेंटली और फिजिकली आपको यहाँ पर फिट होना ही है, क्योंकि आपको पता होगा आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है। अभी इस मंथ में देखा जाए तो आज 21 तारीख ऑलरेडी हो चुकी है और 7 दिन इस मंथ में बचे हैं, और आपका मार्च मंथ बचा है, और इसके बाद इस हिसाब से हम देखें तो आपके पास 40 से 45 दिन का समय है। 40 से 45 दिन बाद आपकी ज्वाइनिंग प्रारंभ करा दी जाएगी, क्योंकि अप्रैल ऑफ फर्स्ट वीक में इंडियन नेवी का जो MR बैच है फर्स्ट, उसकी ज्वाइनिंग प्रारंभ होने वाली है। साथ में जो कैंडिडेट इंडियन कोस्ट गार्ड का पेपर देकर आए थे, साथ में अपने जो सेकेंड स्टेज को क्लियर कर गए थे और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को भी क्लियर कर गए थे, तो उनकी मेरिट लिस्ट भी जैसे ही इंडियन नेवी MR की मेरिट लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी, तो उसके 2 से 3 दिन बाद उनकी मेरिट लिस्ट डेफिनेटली जारी कर दी जाएगी। तो इस हिसाब से देखें तो आपकी जो मेरिट लिस्ट है इंडियन नेवी की MR का जो फर्स्ट बैच है, 23 या फिर 24 में डेफिनेटली पब्लिश कर दी जाएगी। कल या फिर परसों आपकी जो मेरिट लिस्ट है पब्लिश होनी है, तो आप किसी भी प्रकार की कोई टेंशन ना लें, और जो भी यहाँ पर जैसे ही नेक्स्ट अपडेट होगा मैं तुरंत आपको अपडेट कर दूंगा, जो भी आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी और जो भी आपका वहाँ पर मेडिकल किस तरीके से लिया जाता है, क्या कुछ किया जाता है वहाँ पर, इन सब पॉइंट पर बात करेंगे। फ़िलहाल इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि जो कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे हैं अपनी मेरिट लिस्ट का, और साथ में एक करेक्ट डेट जानना चाहते हैं इसकी जो मेरिट लिस्ट है कब पब्लिश की जाएगी, तो उनको भी यहाँ से पता चल जाए। थैंक्स, जय हिंद।